नमस्कार दोस्तों मैं नरेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आज के विशेष कार्यक्रम में कोविड 19 और मानसिक स्वास्थ्य ये जो टाइम रहा है पहले लॉकडाउन रहा फिर अनलॉक हुआ और इस कंडीशन में सबसे ज्यादा जो है सुसाइड्स बढ़े हैं या कहना चाहूंगा मैं कि मतलब हमें कहीं अकेला पनसा महसूस होने लगा है हम डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी के शिकार होते जा रहे हैं तो इन सबसे ओवरकम कैसे करें आज इसी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं जाने वाले साइकेट्रिस्ट और छत्तीसगढ़ के प्रेसिडेंट साइकेट्रिस्ट यूनिटी के हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रमोद गुप्ता सर सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार नरेंद्र आप जानना चाहेंगे ये डिप्रेशन क्या होता है इंसान कैसे इसमें चले जाता है एक बहुत बड़ा सवाल है नरेंद्र जी एक सरल सी चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि सामान्य तौर पे जैसे स्ट्रेस होता है एक आपको सिंपल वे से डिफ़ाइन कर रहा हूँ सामान्य तौर पे हमें पहले स्ट्रेस होता है स्ट्रेस से हमें व्याकुलता पैदा होती है और अगर व्याकुलता लंबे समय तक चलती है तब जाकर के वो डिप्रेशन को भी जन्म दे सकता है या फिर हम और उसको अगर डिफाइन करें तो ये है कि परसिस्टेंटली लगातार अगर कहीं मैं डिप्रेस मूड में हूँ मूड मेरा डिप्रेस्ड है या फिर मेरे जो रुचि प्रस्त कार्य हैं उस पर मेरी रुचि कम होती चली जा रही है वो भी लगातार पंद्रह दिनों के लिए तब आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन से ग्रसित हो रहे हैं साथ में आप ये भी देखेंगे कि उसके अंतर अगर आपकी नींद में किसी तरह का परिवर्तन आ रहा है या ज़्यादा नींद आ रही है या कम हो रही है या ज़्यादा आपको भूख लग रही है या आपका ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है अराउंड फाइव टू टेन परसेंट टोटल वेट में या फिर आप ईजिली थकान महसूस कर रहे हैं जैसे फटीक हो रहे हैं आप या फिर आपकी एकाग्रता कम हो रही है याददाश्त कम हो रही है चिड़चिड़ापन आपके अंदर आ रहा है और एक आत्मग्लानी की भावना पैदा हो रही है इससे भी गंभीर है कि अगर साथ में आपके आइडियाज ऑफ होपलेस हेल्पलेस एंड वर्थलेसनेस मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भविष्य अंधकार में है मेरा खुद का कोई मूल्य नहीं रह गया है और साथ में ये लगता है कि मैं मतलब असहाय मैं महसूस करने लग जाता हूँ और अगर सेक्स ड्रा, ड्राइव जो हमारी रहती है दैट इज़ लिबिडो कम हो जाता है ऐसे कंडीशंस में अगर नौ में से पांच सिम्टम्स भी अगर प्रेजेंट हैं वो भी लगातार 15 डेज के लिए डिप्रेस मूड या प्रेजरेबल एक्टिविटीज़ कम होने के कारण तब आप मैं समझता हूँ कि अपने आपको आप को आप डिप्रेशन वह व्यक्ति डिप्रेशन से ग्रसित हैं और उन्हें एक साइकेट्रिक uh, इंटरवेंशन की जरूरत है जी जैसे एनजाइटी डिप्रेशन स्ट्रेस क्या ये सब एक ही फैमिली के हैं या इनमें कुछ कुछ डिफरेंस है या ये काफी कुछ देखिए एक दूसरे से लिंक है मैं वही चीज आपको बता रहा था स्ट्रेस एक नॉर्मल रिएक्शन है बॉडी का एक शरीर का रिएक्शन है जिस रिएक्शन को आप देखेंगे कि हमारे शरीर और साइकोलॉजी uh, हमारी इमोशनल ये तीनों चीज़ों का समायोजन है ये मिक्स है ये इसमें जब बैलेंस नहीं होता है कोई भी रिएक्शन मतलब आप और एक सरल तरीके से बताऊं कि, कि किसी भी तरह का परिवर्तन आपको तनाव दे सकता है चाहे बदलाव आपके वातावरण में हो चाहे बदलाव आपके रहन सहन में हो चाहे बदलाव आपके कार्य क्षेत्र में हो तो ये आप देखेंगे इसका एक रूप जो अभी आपने डिस्कस किया और अपने प्रोग्राम का पार्ट है कोविड नाइन्टीन ये एक परिवर्तन का दौर है हाँ जो कहीं कही ना कहीं से मुझे स्ट्रेस पैदा कर रहा है और यह है स्ट्रेस अगर लंबे समय तक जाएगा तो उसको व्याकुलता का रूप ले लेगा दैट इज़ एज एंग्जाइटी ये चीज़ फिर बोलूँगा अगर यह एंग्जाइटी घबराहट बेचैनी मुंह सूखना हाथ पैर में कंपन आना पेट में आपको ब्लोटिंग फीलिंग होना क्रेजी फील होना बार बार यूरिन लगना बार बार मोशन लगना ये फैक्टर्स अगर लंबे समय तक कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं से सेकेंडरी डिप्रेशन में आप ग्रसित हो सकते हैं उदातसीनता या अवसाद से ग्रसित हो सकते हैं अब एक बड़ा सवाल है कि ओवरकम कैसे करें हमने इन तमाम चीज़ों के बारे में बात कर ली तो सर ये पूछना चाहूँगा कि ओवरकम कैसे कर सकते हैं इससे यस ओवरकम करने के लिए बहुत सरल सी चीज़ है नरेंद्र जी पहले हमें कारण का जानकारी होनी चाहिए जी. अगर मुझे कारण की जानकारी है तो कारण को ट्रीट करूँगा तो हम उससे बाहर आ जाएंगे सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल तरीके से बताऊंगा कारण क्या होता है जो है एक नॉर्मल तरीके से अपन देखते हैं कि कोई भी लाइफ इवेंट होता है यानी लॉस है या किसी की नियरवेंस की डेथ हो गई है या ऐसी कुछ कंडीशन आ रही हैं तब आपको एक प्रेशर आता है और जिसके अंदर में आप लॉन्ग स्टैंडिंग वे से डिप्रेशन से ग्रसित हो सकते हैं सेकेंड आप देखेंगे कि न्यूरोलॉजिकल न्यूरो या बायोकेमिकल्स जो रहते हैं हमारे ब्रेन के अंदर में लाइक सेरोटोनिन है तो ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं या केमिकल चेंजेस जो हो रहे हैं उसके कारण अगर ये डेफिसिट है आप उसको ट्रीट कीजिए तो डिप्रेशन भी ट्रीट हो जाएगा कुछ हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है जैसे हाइपोथैराटिज़म में हम देखते हैं तो आप अगर हाइपोथराटिज्म को क्योर करेंगे तो कहीं तक डिप्रेशन क्योर हो जाएगा या स्टेबल हो जाएगा थर्ड एक मेजर कॉज होता है कि अगर मान लीजिए जेनेटिक लोडिंग के कारण हो रहा है हुँ. तो अगर ये जीन्स में है तो आप ये मोस्ट ऑफ द चांसेस ये है कि आपको एंडोजीनियस डिप्रेशन रहेगा जो लॉन्ग स्टैंडिंग है इसमें आपको थोड़ा लंबे समय तक ध्यान देना पड़ेगा दवाइयाँ भी थोड़ा लंबी चलती है। ये हैं ये मेजर रीजन हम जो समझ में आते हैं और अगर कोई लाइफ इवेंट है या साइकोलॉजिकल uh, कॉज है या सोशल कॉज है तो आप उसको ट्रीट करेंगे कॉग्निशन को ट्रीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली uh, आप उसको क्योर कर सकते हैं बट अगर स्ट्रेस को हम ओवरकम करना है नॉर्मल hmm. तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैसेज देना चाहूँगा मैं कि ह्यूमन की एक टेंडेंसी है कि हम दूसरों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और खुद को नहीं अब खुद माने क्या खुद माने होता है मैं खुद मेरा शरीर मेरी भावनाएं मेरी विचार ये मैं खुद आ गया फिज़िकल तो सबसे पहले आपको अपने शरीर का महत्व तो समझना है कि आप इस संसार में क्यों आए हैं और इसको क्यों को पूरा करने के लिए मान लीजिए हमने लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक 80 एक इयर्स की रखी हुई है या हम सोच रहे हैं कि 70 सत्तर, सत्तर साल तक जिएंगे इस 70 साल तक इस स्वस्थ शरीर को उस जगह तक पहुंचाने के लिए पहले मुझे अपना सम्मान करना सीखना पड़ेगा मैं हर बार कहता हूं जो अपने शरीर का खुद या अपनी भावनाओं का विचारों का सम्मान नहीं कर सकता वो दूसरों से सम्मान की अपेक्षा भी नहीं रखनी चाहिए तो इसके लिए खुद के शरीर के लिए आपको योगा करनी है मेडिटेशन करना है फिजिकल एक्सरसाइज करना है तो ये आपके अंदर में कुछ हॉर्मोन्स हैं केमिकल्स हैं लाइक एंडोरफिन एनकेफिलीन ऑक्सीटोसिन सेरोटोनिन डोपामाइन ये सब केमिकल्स और न्यूरो को रिलीज़ करते हैं जो आपके मूड को हाई करते हैं और सेंस ऑफ वेलबींग देते हैं तो वैसे आपके इमोशंस को और थाट प्रोसेस को हैंडल करने के लिए आप अराउंड देखेंगे कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं दैट इज़ यू आर फोकसिंग ऑन वन थिंग लाइक हम एक पार्ट लेते हैं कि जैसे हम आ, आ, अपनी ब्रीथ को कंट्रोल श्वास को आ, के ऊपर अपन फोकस कर रहे हैं तो उसको हम अगर फोकस करते करते उस पर कंट्रोल ला रहे हैं तो आप कितने सारी इमोशंस को हैंडल कर सकते हैं कि आपको एग्रेशन आ रहा है तो आप अपनी ब्रेथ को कंट्रोल रखिए आपको अगर ज़्यादा उत्तेजना आ रही है तो आप उसको कंट्रोल कीजिए तो ये आप फिज़िकली और इमोशनली अपने आप को थ्रू वेरियस मेथड से आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं एंड सेकेंड एक होता है कि डाइट इक्वली प्लेज अ मेजर रोल इन दिस लाइक विटामिन सी जिंक है मैग्नीशियम है ओमेगा थ्री फैटी एसिड है फोलिक एसिड्स है uh, तो ये आप अच्छे प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए जो कहीं ना कहीं से हमारे मन को उत्तेजित करने के लिए हेल्प करता है और जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स लाइक सीरोटोन है उसको क्लेफ्ट में से वेसाइकल से रिलीज कराते हैं और न्यूरो अपने से, सेनेप्टिक क्लेफ्ट में ला करके उसको रखते हैं जिसके कारण आ, ये मूड हमारा हाई रहता है बात करें ये कोविड काल है जैसे आपने कहा कि एक परिवर्तन का दौर है इस दौर में सुसाइडल टेंडेंसीज काफ़ी बढ़ गई हैं लोगों में क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे का <laughs> पर से मैं सुसाइडल तो डायरेक्ट नहीं कहूँगा क्योंकि देखिए सुसाइडल टेंडेंसीज जब भी पैदा होती है उसका एक तीन मेजर रीजंस होते हैं आपके होप मतलब आप ऐसा लगता है कि आपका पूरा भविष्य अंधकार में है या फिर आपके अंदर में ऐसा लगेगा कि मैं असहाय हो गया हूँ मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ एम एब्सुलटली हेल्पलेस एंड थर्ड ये है कि आपको ऐसा लगता है कि मेरा या समाज या परिवार कोई मेरा मूल्य नहीं रह गया इनके बीच में तो मुझे अपने आप को ख़त्म कर लेना चाहिए और सुसाइड के रीजन्स भी हैं जैसे आप बोलेंगे ना कि अब मेजर बिजनेस लॉस है आप देखेंगे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से मैं अभी कुछ डेटा देख रहा था मोर देन 50 परसेंट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इस कोविड टाइम में इंक्रीज हुए हस्बैंड वाइफ के सो व्हाई बिकॉज दे आर नो इज रेडी टू अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ ईच अदर देर आर लॉट ऑफ कम्युनिकेशन गैप दे आर लेस टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स कि वॉट दे फील एंड साथ में सामने वाला उस एक्सेप्टेंस भी नहीं रहता है कि मैं इमोशनली इतना ज़्यादा बॉन्डेड रहता हूँ कि वो अपनी फीलिंग्स को अगर नेगेटिव पार्ट को भी एक्सप्रेस कर रहे हैं तो मैं उसे एक्सपेक्ट एक्सेप्ट uh, नहीं करता हूँ और इमीजिएटली रिएक्ट करता हूँ एंड दिस बिकम्स अ रीज़न फॉर दिस सो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि सुसाइडल uh, के लिए आपको uh, ये तीन पार्ट्स है जो इम्पोर्टेंट हैं होपलेस हेल्पलेस एंड वर्थलेस इसमें एक इम्पॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट करके क्लासिफिकेशन सुसाइड का है हुँ. कि क्यों होता है एक ईगोस्टिक सुसाइड होती है जहां आपके ईगो को कहीं ना कहीं से डैमेज पहुंचाया जाता हुँ. है या फिर आप मान लीजिए ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड होती है एक परोपकारी सुसाइड बोलते हैं जो हम मिलिट्री वालों में यू you नो know कि देर इज़ अ डेंजर एंड स्टिल यू गो फॉर देट एक्ट लाइक हमारे जवान लोग करते हैं बॉर्डर में थर्ड होता है आपका अनोमिक सुसाइड जहाँ पे आपके नाम या प्रेस्टीज को डैमेज uh, करने की कोशिश करते हैं तो उस समय आपको लगता है कि हेव लॉस्ट एवरीथिंग एंड लोगों के बीच में मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा मेरा जीवन अंधकार में हो गया है और मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है एंड लास्ट कम्स इज योर फेटलिस्टिक सुसाइड ये ज़्यादातर हमको सेपरेटेड लोगों को मिलते हैं जो वीडो रहते हैं सेपरेटेड रहते हैं या फिर uh, uh, मतलब स्पिस्टर्स जो है मैरिज नहीं करते हैं इन लोगों में आप देखेंगे कि इनमें ज़्यादा प्रवृत्ति होती है या तो इसको रोका कैसे जा सकता है एक बार फिर से मैं वो कहना इट्स वेरी इम्पोर्टेंट आई थिंक सो इट हैज बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन क्योंकि जो आप डेटा देख रहे हैं हुँ. कि आठ लाख सुसाइड विश्व में आ, साल भर में होती है भारत में लगभग एक लाख सुसाइड होती है और आप ये देखेंगे कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार छत्तीसगढ़ में द्रुग भिलाई में सबसे ज़्यादा यूथ सुसाइड हुई है तो इट्स इट्स अ रियली अ अलार्मिंग टू अस्ट एंड इट्स अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ फैमिली टू टेक केयर ऑफ ऑफ पर्सन हु आर इमोशनली डिस्टर्ब और जो आप बोल रहे हैं ना कि इसे बचाया कैसे जाए इसका एक सरल है वो इमोशनली डिस्टर्ब व्यक्ति के भावनाओं को और व्यवहार को हमें पढ़ने आना चाहिए एक बॉन्डिंग जो रिलेशनशिप्स की होती है वहाँ पे जब हम जाते हैं तो उस समय में ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि वहाँ पे बॉन्डिंग के आधार पे ये चीज़ कम्युनिकेट की जाती है कि जब आपके पास कोई भी परिवार का सदस्य अपने नॉर्मल बिहेवियर से या अपने इमोशंस में थोड़ा भी चेंजेस नजर आ रहे हैं तो आपको उस समय में सचेत हो जाना चाहिए सतर्क हो जाना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है लेकिन उस समय हमें डायरेक्ट उनसे क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए कि क्या हुआ तुम्हें जस्ट ट्राई टू ऑब्ज़र्व देयर बिहेवियर एंड उनके साथ में हमें बैठ जाना चाहिए जब तक वो हमसे शेयर ना करें हमें आपको उसको उनको प्रोवोक नहीं करना चाहिए अकेला नहीं छोड़ना चाहिए exactly. कहें तो exactly. और जैसे वो शेयर करने लगे तो आपको उसमें बीच में आपको कॉमा भी नहीं इंटरप नहीं इंटरप्ट करना चाहिए right. तो लेट हिम स्पीक एंड कम आउट ऑफ ऑल हिज इमोशंस वॉट ही हैज़ तो सडनली आप देखेंगे ना कि एक वेंटिलेशन के बाद में उसको रिलीफ फील होगा लाइक यू सी आई आई हैव सीन इन माई क्लिनिक लाइक लॉट मेनी पेशेंट्स आर देयर कि वो ये इवेंट के पहले में आपको अलार्म देते ही हैं दे कॉल सम क्लोज वंस एंड द क्लोज वन इज नॉट अवेलेबल वहाँ पर आपको नहीं मिलते हैं तो उनकी जो विचारधाराएं हैं या कॉग्निशन जो नेगेटिविटी आई है या गिल्ट है, है hmm. उसमें थप्पा लग जाता है एंड दे एक्ट कि नाउ नो वन इज देयर टू लिसन टू मी सो आई आई जस्ट रिक्वेस्ट कि मैं सबसे विनती और प्रार्थना करता हूँ कि बिल्कुल अपने नज़दीक के व्यक्ति को समय दीजिए उन्हें अच्छे से सुने और उन्हें मौका दीजिए बात करने का क्योंकि आप हैं तो हम हैं हम हैं तो जग है इसलिए हमें खुद को सम्मान दे करके दूसरों के सम्मान के लिए हमें उनके साथ रहना चाहिए दैट्स वॉट आई फील तो यू कैन एंड इसमें एक सोसाइट में और मेजर फैक्टर्स तीन देखे जाते हैं डिप्रेशन सिजोफ्रेनिया एंड सब्सटेंस अब्यूज़ ये तीन रीज़न सुसाइड में ज़्यादा देखे जाते हैं लाइक डिप्रेशन टेन टू फिफ्टीन परसेंट पॉपुलेशन डिप्रेशन में सुसाइड करती है।, है।, है वेरस सीजोफेनिया इज़ अराउंड टेन परसेंट और सब्सटेंस अब्यूज़ तो आप आ, समझ जाइए सत्तर प्रतिशत आप लेंगे या टोटल में से आ, ये लोग कहीं ना कहीं से डिप्रेशन से ग्रसित रहते हैं और ये इस कदम को आ, गंभीर कदम को उठा बैठते हैं तो अगर मान लीजिए कि समवन इज़ सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन तो यू शुड गेट ट्रीटेड गेट हिम ट्रीटेड एंड डिप्रेशन को आप क्योर करेंगे तो वो थॉट्स भी आपके चले जाएंगे वैसे ही आप अगर सीजोफ्रेनियम में तो आपको अलर्ट अलर्ट रहना चाहिए कि जब वो रिकवरी फेज़ में है तो आपको ध्यान देना चाहिए क्योंकि जब हमारे अंदर जागरूकता आती है कि मेरे मानसिक स्वास्थ्य खराब होने के कारण मेरे साथ इस तरह इलाज किया गया या मैं ऐसा व्यवहार किया उस समय ये गंभीर कदम उठाते हैं और यूथ में ज़्यादा देखने को मिलता है इसलिए डेटा भी ये बताता है कि अराउंड नाइन्टीन टू ट्वेंटी नाइन में मैगजिमम सुसाइड होती है तो इट्स इट्स क्वाइट अलार्मिंग तो इसलिए इन चीज़ों पे हमें सचेत रहना चाहिए इनको ट्रीट कराना चाहिए एंड आपको एक सबसे अच्छी चीज़ बताता हूँ डिप्रेशन ही एक अवसाद या स्ट्रेस या एंगजाइटी दिस आर ऑल मैनेजेबल इससे आप तुरंत बाहर आ सकते हैं लेकिन ये चीज़ सही है ना कि अगर आ, आप खुद को समय दे रहे हैं फ़ैमिली के साथ टाइम पास कर रहे हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं क्लोज वंस के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं hmm. और अपनी खुद की नेगेटिविटी को करेक्ट करने की आपके अंदर क्षमता पैदा हो रही है कि मुझे करेक्ट करना है और वापस से रिस्ट्रक्चर करके सोसाइटी में आना है एंड यू नो लाइक दैट थिंग्स बिकम्स अ मेजर रोल कि आप बहुत सी चीज़ों को अपने आप ही हैंडल कर लेते हैं एंड इफ इट इज़ लाइक यू आर सफरिंग फ्रॉम इलनेसेस और एनी मेंटल डिसऑर्डर तो आपको उपचार कराना चाहिए जी बच्चों की बात करें यूथ से थोड़ा सा नीचे आते हैं बच्चे भी अफसाद का शिकार होते जा रहे हैं तो पेरेंट्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं उनको इस अफसाद से निकालने में क्योंकि अभी क्या होता है कि पेरेंट्स जो है वर्किंग होते हैं बच्चा कई जगह जो है अपने आप को अकेला फील करता है तो कैसे जो है पेरेंट्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं क्योंकि अभी कई घटनाएं ऐसी हुई कि बच्चे अफसाद में हैं डिप्रेशन में हैं तो कैसे वो ओवरकम कर सकते हैं पेरेंट्स कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं द पेरेंट्स अ मेजर रोल रोल मॉडल तो पेरेंट ही हैं आज अगर मैं दिन भर मोबाइल लेके बैठूंगा तो मेरा चाइल्ड भी मोबाइल लेके बैठेगा इफ आई वॉच वेब सीरीज द होल डे चाइल्ड भी वही करेगा सो माय हैप्पीनेस माय वे ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ मतलब पैटर्न ऑफ लिविंग नॉट स्टैंडर्ड कि आप डिसिप्लिन लाइफ अगर एक पेरेंट जीते हैं तो आप उनके अंदर में एक पॉजिटिविटी को जन्म देते हैं उनके आत्मविश्वास और मनोबल को बढ़ाते हैं अब ये डिसिप्लिन क्या है कि यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग आप सनलाइट को एंजॉय कर रहे हैं आप प्रॉपर रेस्ट ले रहे हैं आप प्रॉपर सो रहे हैं आप प्रॉपर डाइट ले रहे हैं टाइम टू टाइम और आप अपने वर्क को भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर रहे हैं कि एक ये चीज़ें प्रोजेक्ट होती रहती है चाइल्ड के ऊपर और चाइल्ड इसी को ही एक्सेप्ट करता है यू यू गो टू बैट इन अ रेगुलर टाइम एंड ये इम्पॉर्टेंट है कि आप सोशल मीडिया पे कितना बैठ रहे हैं तो चाइल्ड आल्सो एक्सेप्ट द सेम थिंग एंड ये चीज़ें कहीं कही ना कहीं से आप देखेंगे कि चाइल्ड के ऊपर में इंपैक्ट लाती है इस लाई टेल कि अगर कहीं बच्चे को सुधारना है तो बच्चा इज एब्सोलूटली ब्लैंक कंप्यूटर न रेंजिंग जो आप फीड करेंगे मेमोरी में वही जाएगा तो मेमोरी में वही आ रहा है जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ माई चाइल्ड हुड में तो आई थिंक सो ही पेरेंट्स लीव हेल्दी एंड अ डिसिप्लिन एंड अ बैलेंस्ड इमोशंस एंड बैलेंस्ड देयर थाट प्रोसेस एंड बिहेवियर

So, के में इन चीजों से दूर कर सकते हैं आप आ, डिप्रेशन की बात कर रहे थे तो मैं इसमें बच्चे कई बार जो है मतलब जैसे स्कूल में टीचर कुछ बोल दिया uh. या प्लेग्राउंड में किसी से लड़ाई गई सिलेक्शन नहीं हुआ या कुछ हो गया तो इस कंडीशन में वो अफसाद की तरफ जा सकते हैं लेकिन उससे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है उसे पहचाने कैसे हम राइट तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट चीज़ों को समझना कि चाइल्ड अगर आलूफ हो गया है, है। चाइल्ड अगर की फैमिली के प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है चाइल्ड गुस्सा करने लग गया है चाइल्ड इरीटेटेड रह रहा है चाइल्ड कुछ ऐसा बिहेवियर कर रहा है जिसमें पेरेंट्स को हर्ट हो रहा है सो इट्स एन इंडिकेशन एक अलाम सचेत पना हो जाना चाहिए यह जिद में आप देखेंगे व्हेन दे गेट डिप्रेस्ड और तो हम इनका स्कूल परफॉर्मेंस पोअर हो जाएगा जी इनका जो मेमोरी है इनका जो अटेंशन स्पैन है ये कम होने लग जाएगा एंड एट टाइम्स ये हाइपर एक्टिव हो जाते हैं तो आप ये देखेंगे कि इस कंडीशन में अगर आप बिहेवियर को समझ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको अंदर एक अलार्म आना चाहिए कि समथिंग रॉन्ग इज़ हैपनिंग विथ माई चाइल्ड सो इट डजेंट मीन कि हर चाइल्ड को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है इट्स लाइक like, मैं समझता हूँ पेरेंट्स और टीचर्स से बड़ा मनोचिकित्सक कोई नहीं है एंड लास्ट में मनोचिकित्सक बनता है सोसाइटी <laughs> so right. I, I think so. If parents and teachers are very smart and uh, you know like uh, uh, smart to understand the behavior of child and normal pattern of behavior से थोड़ा भी deviation ho raha hai तो मुझे लगता है कि इनको थोड़ा alert होना चाहिए and uh, school based जो counselors रहते हैं, उनसे बात कर लेनी चाहिए तो देखें understand कि रीज़न ऑफ डिप्रेशन और लोनलीनेस और अलूफ जो है दिस इज़ बिकॉज ऑफ स्टडीज़ और बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स और बिकॉज ऑफ सम इंटरपर्सनल प्रॉब्लम इन पेरेंट्स और फैमिली सो डेफिनेटली दैट कैन बी टेकन केयर जी टॉलरेंस पार की बात करें तो यूथ फॉर मी मतलब यंग आउट स्टैंडिंग अल्टीमेट टैलेंटेड ह्यूमन बींग्स मैंने एक डेफिनेशन बनाई है यूथ के लिए uh -huh. तो टॉलेंस पार उनमें बहुत कम होती जा रही है क्या ये भी एक रीज़न है कि इस वजह से जो है प्रॉब्लम आ रही है मतलब वो डिप्रेशन में जाते जाए yes, yes. कुछ हद तक आप देखेंगे कि नॉर्मल लाइफ हम जी कहाँ हैं? इट्स फुल ऑफ स्ट्रेस क्योंकि हर चीज मुझे टाइम पे चाहिए हुँ. मेरे एम्बिशन इतने हाई हो गए हैं, कॉम्पिटिशन कितना हो गया है सोसाइटी के मूवमेंट्स चेंज हो गए हैं, वैल्यू सिस्टम कितनी कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो आप रिलैक्स कहाँ रह रहे हैं मतलब आज मैं भी अगर शो पे बैठ रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगेगा कि यार लोग मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं मेरे शब्द ख़राब हो जाएंगे सो यू नो लाइक दिस प्रेशर जो है वो प्रेशर ही मेरी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है तो ये जो हाई एम्बिशन है कॉम्पिटिशन है कंपेरिजन है जेलस है एंगर है ये चीज़ें ऑलरेडी आपको प्रेशर पर ला रही है तो जब ये प्रेशर पर ला रही हैं तो ये लंबे समय तक चल रही हैं तो आप डेफिनेटली आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं से आप एंजाइटी या डिप्रेशन से ग्रसित हो रहे हैं इनफैक्ट कुछ स्टडीज़ ये भी शो करती हैं हस्बैंड वाइफ दोनों अगर वर्किंग है hmm. तो फर्टिलिटी रेट इज गेटिंग डाउन इनमें ये प्रेगनेंसी को अचीव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप इतने स्ट्रेसफुल लाइफ में जीते हैं कि आपकी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो बॉडी में चल रही हैं वो भी एक्सेप्ट बॉडी नहीं कर पा रही है उसको आप देख ही नहीं पा रहे हैं तो उसके अंतर्गत में ये चीजें भी नहीं हो पा रही हैं सो दैट इज मेन रीजन विच आई फाइंड एंड सब्सटेंस अब्यूज कि नशा जो है आप देखते हैं तो किसी भी तरह के नशा यूथ में है तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं से आपको डिप्रेशन uh, या एंगजाइटी या वेरियस अदर एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है सोमेटाइजेशन है या पोस्ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है एंगर है ये सब चीज़ें पोस्टमैटिक थोड़ा सा टॉपिक से हट गया है hmm. मैं कोविड से रिलेटेड बोलने लग गया था बट ये चीज़ें तो आप देखेंगे दिस बिकम्स अ मेजर रीज़न फॉर यू नो लाइक डिप्रेशन राइट डिप्रेशन की बात आ रही है लगातार हम उससे बात कर रहे हैं कोविड नाइन्टीन और मानसिक स्वास्थ्य तो मैं ये जानना चाहूँगा कि डिप्रेशन में अगर कोई इंसान आ गया तो कितना समय लगता है उसे ओवरकम करने में क्या कोई टाइम पीरियड है या कैसे हम मतलब कितनी जल्दी ओवरकम कर सकता है ये मेरे दिमाग में बहुत देर से क्वेश्चन चल रहा था मेरे जहन में या इफ़ वन समवन इज़ सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन सो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इट्स अराउंड सिक्स टू एट वीक्स के अंदर में सब चीज़ें स्टेबलाइज होती हैं इफ़ अगर कहीं माइल्ड से लेकर सीवियर डिप्रेशन के बीच में है तो ड्रग्स हम यूज़ करते हैं मेडिसिन तो अगर आप इतने ड्यूरेशन के अंदर में लेंगे सिक्स टू एट वीक्स के अंदर तो वो स्टेबल हो जाते हैं और उसके बाद आपको थोड़ा सा मेडिसिन कंटिन्यू करनी पड़ती फॉर एट मंथ्स अराउंड एंड अगर साथ में साइकोथेरेपी ले रहे हैं और साथ में आप अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं या कॉज जो आपने पकड़ा हुआ है या आपके थेरेपिस्ट ने पकड़ा हुआ है, है। उसको अगर कॉज को ट्रीट कर रहे हैं तो यू मे गेट आउट ऑफ इट वेरी फास्ट एंड आई थिंक सो लाइक अराउंड एट टू नाइन मंथ्स जो ड्यूरेशन है उसमें आप अपने आप को स्टेबलाइज कर सकते हैं यू कैन गेट आउट ऑफ इट एंड बट डॉक्टर्स के साथ में पेशेंट भी उतना ही मेजर ये हमारी फील्ड में एक सबसे इम्पोर्टेंट है ओनली बाकी फील्ड में कैसा है कि आप दवा दीजिए और पेशेंट ठीक हो जाएगा right. बट यहाँ पे सिर्फ दवा काम नहीं करती है यहाँ पे आपको खुद को भी उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा थेरेपिस्ट के साथ में और जो थेरेपिस्ट आपको गाइड कर रहे हैं उसको आप अगर कि पिकअप करके आप अंदर अपनी लाइफस्टाइल को या पैटर्न या सिस्टम या टाइम मैनेजमेंट को प्रायरिटीज को hmm. आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को उनके या यासेवनेस को आप उनके द्वारा बताए गए इस टिप्स को लेते जा रहे हैं और अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं इट टेक्स वेरी मिनिमल टाइम अनलेस द डिप्रेशन इज ऑफ या जेनेटिक लोडिंग hmm. है तब आपको थोड़ा मेडिसिन लंबे समय तक लेनी पड़ सकती है जी वक्त का इशारा कह रहा है कि समय थोड़ा सही है आखिरी में आपका मैसेज जानना चाहेंगे तमाम जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं सरल सी चीज है स्वस्थ रहिए मस्त रहिए और अपने आप को ध्यान रखिए शरीर का मन का विचारों का मैं समझता हूँ दुख व्याकुलता जो भी कुछ आप तनाव ये जन्म देने वाला मैं खुद हूँ इसका निवारण करने वाला भी मैं खुद हूँ लेकिन अगर मैं निवारण तभी कर पाऊंगा जब अपने मन विचार भावनाएँ और व्यवहार में सामंजस्य बना के खुद का परिवार का और समाज का कल्याण कर सकूं। तो शायद तक हम इन बहुत सी बीमारियों से या तनाव से अपने आप को बचा सकते हैं जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने इतना कीमती समय हमें दिया बहुत शुक्रिया धन्यवाद नरेंद्र जी नमस्कार जी तो दर्शकों मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है अपनों के साथ समय बिताइए और ख़ूबसूरत सी जिंदगी को कैफियत के साथ अपनों के साथ हमेशा जो है इंजॉय कीजिए नमस्कार